नमस्कार। मेरे पिछले वीडियो में बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं के लिए मैंने तीसरी इकाई शीत युद्ध का अर्थ, कारण और प्रभाव शुरू किया था। आप लोगों को शीत युद्ध का अर्थ बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया गया था। आज उसी के कंटिन्यूएशन में शीत युद्ध का कारण आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से शीत युद्ध दोनों ही महाशक्तियों के बीच जो अविश्वास, भय और तनाव व्याप्त था उसके कारण बढ़ा और किस प्रकार से इस स्थिति तक पहुंचा कि दोनों ही के मन में जो संशय थे, जो अविश्वास थे, वो बहुत ही भीषणतम स्तर पर पहुंच गए थे। तो दोनों ही महाशक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, जो कि शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप दोनों ही के संबंधों में काफ़ी कटुता आ गई थी और दोनों ही महाशक्तियां युद्ध के पश्चात युद्ध की जो लाभ की स्थिति थी वो बनाए रखना चाहती थी, युद्ध के पश्चात की स्थिति को वो बनाए रखना चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दोनों ही शक्तियों को मिले। उस स्थिति को बनाए रखने के लिए दोनों में कंपटीशन शुरू हुआ, प्रतिद्वंद्विता शुरू हुई और दोनों ही के मन में ये जो विचार था वो प्रबल होने लगा कि वे अपने अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं, विभिन्न राष्ट्रों पर अपना अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। दोनों ही पक्षों में इस दृष्टि से जो था वो प्रचार प्रसार का अभियान शुरू करके उन्होंने एक ऐसी स्थिति में वो पहुंच गए थे कि जहां पर दोनों का कंपटीशन साफ नज़र आने लगा और दोनों ही पक्षों को इस दौरान एक दूसरे से शिकायतें होने लगी और यही शिकायतें शीत युद्ध का कारण बनी। तो कुछ शिकायतें ऐसी हम समझेंगे जो कि अमेरिका की तरफ से हुई, कुछ शिकायतें ऐसी हुई जो कि सोवियत संघ की कार्रवाइयों के फलस्वरूप हुई। दोनों को एक दूसरे से नाराज़गी हुई और दोनों ही नाराज़गियों की वजह से शीत युद्ध बढ़ता गया। तो सबसे पहला जो कारण शीत युद्ध के लिए प्रबल माना जाता है वो ऐतिहासिक कारण माना जाता है, जिसमें आपने देखा होगा बोल्शेविक क्रांति सुनी है आपने, 1917 में सोवियत संघ के द्वारा चलाई गई थी और इस बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप साम्यवाद की स्थापना की गई थी। तो पश्चिमी राष्ट्रों में ये भय व्याप्त हो गया था कि बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप सोवियत संघ जो है वो साम्यवादी प्रसार करना चाहता था पूरे विश्व में और इस प्रसार को रोकना पश्चिमी राष्ट्रों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। तो इस प्रकार की कार्रवाई से उनको, सोवियत संघ की इस कार्रवाई से उनको पश्चिमी राष्ट्रों को लगने लगा कि सोवियत संघ का जो उद्देश्य है वो पूंजीवाद को ख़त्म करना और साम्यवादी प्रसार को बढ़ाना है। तो इसलिए ये शीत युद्ध का जो बीज है वो तभी देखा जा सकता है, यानी बोल्शेविक क्रांति के पश्चात की स्थिति में। दूसरा जो कारण था, सोवियत संघ किस लिए नाराज हुआ कि वो, ये कारण था द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब हिटलर ने सोवियत संघ को बहुत जन क्षति पहुंचाई तो सोवियत नेता स्टालिन ने मित्र राष्ट्रों यानी यूरोप के जो राष्ट्र थे उनको नाजी फौजों के विरुद्ध अपना एक द्वितीय मोर्चा खोलने का आग्रह किया ताकि उसको सहायता मिल सके। वो हिटलर के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहा था उसको वो सुरक्षित महसूस कर सके, ऐसा आग्रह सोवियत संघ ने यूरोपीय राष्ट्रों से किया। लेकिन चर्चिल और उस समय जो विचारक थे उन लोगों ने उसकी बात को नहीं माना और जो अपना द्वितीय मोर्चे का जो प्रश्न था उसके लिए कोई कार्रवाई खोलने की नहीं की। तो इससे सोवियत संघ को नाराज़गी हुई। इसके अलावा सोवियत संघ ने कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ की, ऐसा जो कुछ समझौते हुए थे द्वितीय महायुद्ध के पश्चात उनको नहीं माना और इसकी वजह से पश्चिमी राष्ट्रों को नाराज़गी हुई। तो कुछ ऐसे स्टेप्स हम, कुछ ऐसे कारण हम देखते हैं जहां पर कि सोवियत संघ की कार्रवाई से पश्चिमी राष्ट्रों को नाराज़गी हुई। तो सबसे पहला कारण हम देखते हैं
याल्टा सम्मेलन में कुछ याल्टा समझौते हुए थे सभी राष्ट्रों में महाशक्तियों में, जिसमें प्रमुख रूप से याल्टा सम्मेलन 1945 में स्टालिन, रूजवेल्ट और चर्चिल इन तीनों ही ने कुछ समझौते किए थे, जिसके अंतर्गत ये तय हुआ था कि पोलैंड में जो है वो सोवियत संघ द्वारा संरक्षित लुब्निन शासन स्थापित किया जाए और पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा लंदन शासन की स्थापना की जाए, लेकिन द्वितीय महायुद्ध के पश्चात वहाँ पर निष्पक्ष और निर्वाचित सरकार स्थापित करने का प्रयास किया जाने लगा, लेकिन उन चीज़ों को सोवियत संघ ने मानने से इनकार कर दिया, उस स्थिति को मानने से इनकार कर दिया और कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ की जिससे कि पश्चिमी राष्ट्रों को नाराज़गी हुई, और इसी प्रकार से उसने अपने जो वचन दिए थे, जो समझौते किए थे, उनको मानने से इनकार कर दिया और वहाँ पर अपने समर्थित सरकार को स्थापित करना शुरू कर दिया। इसी प्रकार से पूर्वी यूरोप के जो दूसरे देश थे, यानी हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया और चेकोस्लोवाकिया, वहाँ पर भी सोवियत संघ द्वारा युद्ध विराम समझौतों और याल्टा समझौतों का उल्लंघन किया गया और अपनी समर्थक सरकारें स्थापित कर दी। इससे भीषण नाराज़गी हुई पश्चिमी राष्ट्रों को और उन्होंने इसको संदेह के घेरे में सोवियत संघ की कार्रवाई को ले लिया। उसके बाद बाल्कन समझौता हुआ था, जिसके तहत सोवियत संघ ने अक्टूबर 1944 में चर्चिल के पूर्वी यूरोप के विभाजन को स्वीकार किया था, जिसमें ये तय हुआ था कि सोवियत संघ का बुल्गारिया और रोमानिया में वर्चस्व होगा और यही स्थिति यूनान में ब्रिटेन की होगी, और जो हंगरी और यूगोस्लाविया है उन दोनों में दोनों का बराबरी का वर्चस्व होगा, लेकिन इस चीज़ को भी मानने से इनकार कर दिया सोवियत संघ ने और ये नाराज़गी पश्चिमी राष्ट्रों को हुई। तीसरा जो कारण था, ईरान से सोवियत सेना का न हटाया जाना। ईरान में, उत्तरी और दक्षिणी ईरान में जो व्यवस्था हुई थी उसमें ये तय हुआ था कि उत्तरी ईरान में सोवियत संघ ने अपना अधिकार जमा लिया था और दक्षिणी ईरान में आंग्ल जो अमरीकी सेना थी उसका अपना अधिकार जमा लिया था। उन लोगों ने तो सेना हटा ली, लेकिन सोवियत संघ ने सेना हटाने से इनकार कर दिया। यूएनओ के दबाव के फलस्वरूप वहाँ से सेना हटाई गई और इससे भी पश्चिमी देश जो थे वो सोवियत संघ से नाराज हो गए। इसके अलावा यूनान में भी फिर ऐसी कार्रवाई हुई जिससे कि पश्चिमी राष्ट्रों को नाराज़गी हुई। यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप शुरू हो गया। यूनान में आपने देखा कि ब्रिटेन का वर्चस्व था, लेकिन वहाँ पर भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की स्थिति थोड़ी खराब होने लग गई और वहाँ से उसने अपनी सेनाएं हटा ली, तो उस यूनान के शक्ति शून्य जो क्षेत्र था उसको भरने के लिए सोवियत संघ ने अपनी समर्थित सरकारें वहाँ पर उनको जो अल्बानिया, यूगोस्लाविया और बुल्गारिया थे उनको उकसा करके वहाँ पर अपनी सरकारें स्थापित करने वो शुरू कर दी। और इससे भी ये बहुत ज़रूरी हो गया कि यूनान का साम्यवादी खेमे में न चला जाए, इसके प्रयास पश्चिमी राष्ट्र करने लगे और उनको नाराज़गी हुई। और अंत में टर्की पर सोवियत दबाव जो था वो भी सोवियत संघ का दबाव बढ़ा। युद्ध के तुरंत बाद टर्की के कुछ भू प्रदेश और फास्फोरस में नाविक अड्डा बनाने का अधिकार देने के लिए सोवियत संघ ने दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन पश्चिमी राष्ट्र इसके विरुद्ध थे और सोवियत संघ का हस्तक्षेप जब बढ़ने लगा तो अमेरिका ने मार्शल योजना और जो इसका मामला उसने सुरक्षा परिषद में रखा और इस समस्या का समाधान करने में पश्चिमी राष्ट्रों को काफ़ी जोर लगाना पड़ा, इससे भी उनको नाराज़गी हुई। अणु बम का आविष्कार का जो हुआ था पश्चिमी राष्ट्रों के द्वारा, उस चीज से नाराज़गी सोवियत संघ को हुई कि उसके आविष्कार को छुपाया गया, उसके रहस्य को उससे छुपाया गया, तो सोवियत संघ को भी शिकायत थी कि पश्चिमी राष्ट्रों ने इसकी जानकारी क्यों नहीं दी। इसके अलावा सोवियत संघ
और पश्चिमी राष्ट्रों दोनों ही के द्वारा अपना अपना प्रचार अभियान एक दूसरे के विरुद्ध जबरदस्त शुरू हो गया। दोनों ही राष्ट्र एक दूसरे को नीचा गिराने, दोनों ही विरोधी गुटों के जनता को मनोबल को नीचा गिराने ऐसा काम किया जाने लगा और दोनों ही पक्षों में जो था वो बहुत ही ज़बरदस्त अविश्वास दोनों ही के खिलाफ प्रचार अभियान के कारण जबरदस्त अविश्वास उत्पन्न हो गया। इसके अलावा सोवियत संघ द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग किया जाने लगा क्योंकि अब उसे ये लगने लगा कि यूएनओ विश्व शांति को स्थापित करने की एक संस्था नहीं है बल्कि अमेरिका का एक विदेशी विभाग ही बनकर रह गया है। तो इस कारण से वो जो भी प्रस्ताव यूएनओ में आते थे उसको निरस्त करने का वो प्रयत्न करने लग गया और इससे पश्चिमी राष्ट्रों को बहुत ही असुविधाजनक स्थिति लगी और इनका नाराज होना उसके लिए स्वाभाविक बनने लगा। इसी प्रकार से सोवियत संघ की लैंड लीज की सहायता भी बंद की जाने लग गई और मॉर्गेंथो ने एक बहुत ही स्वाभाविक कारण बताया शीत युद्ध की उत्पत्ति के लिए कि उन्होंने ये बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वो शक्ति संघर्ष की राजनीति है। दोनों ही में ये जो हम देखते हैं संघर्ष ये होना अनिवार्य था क्योंकि आप ये भी चीज़ जानते हैं दो बर्तन है तो खड़केंगे। वही स्थिति एक सिंपल सी समझ सकते हैं कि दो महाशक्तियां अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उभर कर आईं तो उनमें संघर्ष होना अनिवार्य था। ये कुछ शीत युद्ध के कारण है जो कि ये दर्शाते हैं कि दोनों ही देशों के मध्य किस प्रकार से विवादों ने अंततः जो है वो एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां पर कि एक बहुत ही भयानक स्थिति दोनों ही गुटों में व्याप्त हो गई। पूरे विश्व में पूरे जो था वो दो विरोधी गुटों में विभक्त हो गया और ये स्थिति एक आरामदायक स्थिति नहीं कही जा सकती। धन्यवाद।